morning, everybody. How are you doing? I hope everybody are doing well. And this is the another part of unit 2, that is I am lucky. Okay, so we are going to learn this poem today. What is the meaning of this poem? I'm just going to elaborate. मैं इसको आपको elaborate करके बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. This is unit 2. If I were a butterfly, I would thankful for my wings. अगर मैं एक बटरफ्लाई होता यानी कि तितली होता तो डेफिनेटली मैं क्या करता, मैं अपनी विंग्स के लिए थैंकफुल होता. थैंकफुल मतलब क्या है कि धन्यवादी होना. किसी को अगर आपके पास कुछ है आपके पास और आप ग्रेटफुल हो किसी चीज के लिए तो आप उसके लिए थैंकफुल होगे, है ना. शुक्र है ईश्वर का कि मेरे पास कुछ है, यू नो दैट फीलिंग विल कम आउट. ओके, सो इफ आई वेर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, इफ आई वेर अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई कैसे क्या फील करता है. ओके, कोई भी उड़ नहीं सकता, मतलब जो उड़ते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनमें से एक बटरफ्लाई है, इसके पास विंग्स है और ये अपने विंग्स के लिए ऊपर वाले को थैंक्स कहता. ठीक है, तो कोई ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होता तो मैं अपनी विंग्स के लिए थैंकफुल होता. ठीक है, इफ आई वेर अ मैना, इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. अगर मैं एक मैना होता, मैना मीन्स व्हाट, दैट इज वन काइंड ऑफ बर्ड. ओके, ये बर्ड है एंड दैट बॉय अ गर्ल इट इज सेइंग दैट इफ आई वर अ मैना, अगर मैं एक मैना होता तो मैं क्या करता, मैं थैंकफुल होता, एटलीस्ट मैं गा पाता हूं इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं थैंकफुल होता. ठीक है, ओके. इफ आई वर अ फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल गिगल With glee, okay? वो बोलता है कि मैं अगर एक fish होता, if I were a fish, तो I would be thankful that, और मैं इसलिए खुश होता, इसलिए धन्यवादी होता, that I can wriggle, giggle and glee. Wriggle means what? जैसे कि तेजी से मुड़ना, okay? आपने fish को देखा ना, fish के पास जाओगे तो वो तेजी तेजी से घूमता रहता है, you know? Very swift it is, okay? Wriggle, wriggle means what? बेपरवाह होके हंसना, यू नो कभी कभी आप हंसते हो ना, ओ बिल्कुल बिंदास हंसी जिसको हम बोलते हैं. ओके, एंड ग्ली, ग्ली मतलब क्या है, किसी चीज के लिए बहुत ही खुश होना, किसी चीज के लिए बहुत ही खुश हो जाना, उसको बोलते हैं ग्ली. ओके, तो अगर मैं एक फिश होता तो मैं क्या करता, मैं थैंकफुल रहता क्योंकि मैं रिगल भी कर सकता, गिगल भी कर सकता और ग्ली कर सकता. रिगल एंड गिगल विथ ग्ली, मैं खुशी के साथ क्या करता, मैं तेजी से इधर उधर मुड़ता और बेखौफ होके हंसता. ओके, वेल नेक्स्ट. सो आई थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी, तो मुझे ये खुशी है कि मैं हूं, मैं आप नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है, यू नो आई एम हैविंग सम टैलेंट्स. मुझे खुशी है कि मुझे आर्ट करना आता है, मुझे खुशी है कि मुझे बोलना आता है, मुझे खुशी है कि मैं डांस कर सकता हूं, मैं खुशी है. तो अपनी खुशी आप खुद जाहिर करो, आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, आप जो हो यू आर द बेस्ट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. इफ आई वेर एन एलिफेंट, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं किस लिए धन्यवादी होता, यू नो किस लिए मैं थैंकफुल होता, क्योंकि मैं अपना व्हाट ट्रंक यानी कि सूंड को ऊपर उठा सकता, यू नो, क्योंकि एलिफेंट ऐसे ही करता है, वो धन्यवाद करते हुए अपना सूंड को ऊपर उठाता है क्योंकि ऊपर वाले ने उसको एक सूंड दिया हुआ है, एक ट्रंक दिया हुआ है. इट इज हैविंग अ ट्रंक. ओके, दैट व्हाई इट इज गिविंग थैंक्स टू गॉड. सो अगर कोई ऐसे एलिफेंट होता वो भी थैंक करता, अगर मैं एलिफेंट होता मैं भी थैंक करता. ठीक है, ओके. इफ आई वेर अ कंगारू, आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. अगर मैं कंगारू होता, अगर मैं
कंगारू होता तो मैं क्या करता, मैं हॉप करता। हॉप का मतलब क्या होता है, फुदकना, ठीक है। और मैं कहां तक जंप लगाता, स्ट्रेट टू द कहां, मून, चीद मून को जंप लगाता। ओके, और कहीं ना कहीं कंगारू भी अपने आप को खुश कहता होगा क्योंकि इसके पास होप, ये ज्यादा होप कर सकता है, मतलब ज्यादा जंप कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो खुश है। एटलीस्ट इट इज हैविंग अ टैलेंट दैट इट कैन जंप। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. Wow, it's just amazing animal. Okay, it's an amazing animal that it is having 8 arms. Have you seen something else which is having 8 arms? आपने देखा है किसका 8 arms होते हुए? Well, इसका है 8 arms. ठीक है? Okay. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. So, मैं lucky feel करता हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैं अपनी तरह का एक single piece हूँ, you know? हम मस्ती में बोलते हैं single piece, right? Because I am Sujit and I am proud of me. I am thankful that I am who I am. Okay? ऊपर वाले ने मुझे जैसे बनाया है, मुझे जो जो टैलेंट्स दिए हैं और मुझे जिस तरह से बनाया है, मैं उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, राइट। वी कैन गिव थैंक्स टू आर ऑलमाइटी दैट ही मेड अस लाइक दिस ओनली। ओके, एंड वी शुड प्राउड ऑफ दैट। ओके, वेल मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, आपको क्या लगता है आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसे बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लाइक मी और जस्ट यू, जस्ट यू? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो और बिल्कुल अपने जैसा बनना चाहते हो? ओके, इसकी थोड़ी सी समरी हम लोग देखते हैं कि गॉड हमें हमारे जैसे बनाए हैं, अपने जैसे बनाए और स्पेशल बनाए हैं। और आपको पता है आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप एक एक बेस्ट हो, अपने आप में आप एक बेस्ट हो, आप जो हो आप सबसे बढ़िया हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप लोग दूसरों की तरह होते तो आप बेस्ट होते, ना, नॉट लाइक दैट। जस्ट बी व्हाट एवर यू आर, ठीक है। आप अपने जैसा बनने की कोशिश करो और अपने आप को निखारो और टैलेंटेड बनो और बनते जाओ, ठीक है। दूसरों को कॉपी करके कुछ फायदा नहीं, कुछ अपना भी दिखाओ, राइट। क्योंकि आपको गॉड ने स्पेशली बनाया है, ठीक है। आपने अपनी तरह का किसी दूसरे को देखे हो क्या? बिल्कुल सेम आपकी चेहरा जैसा हो, आपकी आवाज भी सेम होता हो, आपकी वर्ड बिहेवियर्स भी सेम होता हो, ऐसा किसी को आपने देखा है? आई होप नॉट, राइट। सो यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड टू बी लाइक यू, जस्ट यू, जस्ट यू। किसी दूसरे की तरफ मत बनना, अपने तरह ही बनना, अपने आप को निखारना और अपने आप को सबके सामने दिखाना। जैसे कि शाहरुख खान एक ही है, सलमान खान एक ही है, कोई दूसरा सलमान खान नहीं बन सकता, कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं बन सकता, वैसे आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता, आप स्पेशल हो इसलिए। ओके, आई होप एवरीबॉडी यू अंडरस्टूड दिस पोएम। और आप सब लोग इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। आई विल पोस्ट दिस फोटोज इन द ग्रुप। आई होप सबको समझ में आ गया ये चीजें। ओके, सो तब तक मैं आपको बाय बाय करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे। Thank you.